भारतीय अमरीकी भाविया लाल को नासा ने अपना कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। लाल अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है और बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में प्रवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान के मुताबिक भाविया लाल के पास अभियांत्रिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। नासा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नासा ने वरिष्ठ एजेंसी पदों के लिए नियुक्तियां की है। भाविया लाल एजेंसी में कार्यवाहक प्रमुख के रूप में जुड़ी हैं। फिलिप्स थॉमसन व्हाइट हाउस के संपर्क के रूप में काम करेंगे। एलिसिया ब्राउन निगेटिव और इंटरगवर्नमेंट ऑफिसर के कार्यालय के लिए सहयोगी प्रशासन के रूप में काम करेगी। मार्क एटकाइंड एजेंसी के संचार कार्यालय के लिए सहयोगी प्रशासन के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा जैकी मैगिन्स एजेंसी में प्रेस सचिव के रूप में जुड़े हैं। 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के एक सदस्य के रूप में भाविया कार्य कर चुकी है और उन्हें इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक लंबा अनुभव है। बयान के मुताबिक वहां उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और नेशनल स्पेस काउंसिल में अहम जिम्मेदारी निभाई है। STPI में काम करने से पहले भाविया लाल CSTPS LLC के अध्यक्ष रह चुकी है, जो एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान से संबंधित संस्था है। इससे पहले वह कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित एक वैश्विक नीति अनुसंधान परामर्श ABT एसोसिएट्स में सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टीच की निदेशक थी। लाल नासा में बजट और वित्त के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम करेगी। आपका इस विषय पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।